हेलो गाइज, वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर। एंड टुडे वी स्टार्ट व्हाट? टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्लास 10 चैप्टर लाइट। ठीक है, अच्छा अभी तक तीनों वीडियो कंप्लीट हैं, आप लोगों ने देख लिए हैं क्या? अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिएगा, सारे जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास अभी तक सर हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया है। स्टार्टिंग तीन वीडियोज जो बने हुए हैं वो रिफ्लेक्शन पर बने हुए हैं और उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। ठीक है ना, इसमें एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी कवर हो गए हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे? लाइट चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड दो फिनोमिनाज हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं। एक होता है क्या? रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं, अब बारी किसकी है? रिफ्रैक्शन की। तो बात आती है कि सर रिफ्रैक्शन क्या है? तो देखिए, तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है कि लाइट जब हमारे पास आती है और अगर किसी इस इंसिडेंट से, इस सरफेस से, बाउंड्री से अगर लाइट बाउंस बैक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ठीक है, और अगर लाइट बाउंस बैक नहीं होती है, लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, दैट इज कॉल्ड, माय डियर, व्हाट? दैट इज रिफ्रैक्शन। तो आपको बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई क्या कि हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है? अच्छी तरह से चलिए, तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी यहां दी हुई है। मैंने आपको बोला है आप नोट्स प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे, ठीक है ना, सब यहां पर लिखा हुआ है। तो रिफ्रैक्शन इज अ सिंपल टर्म, इन अ सिंपल टर्म इज व्हाट? दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस टू अनदर। ठीक है, तो लाइट का क्या हो जाना? बेंड हो जाना। कब? जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करती है? एंटर करती है। ठीक है, तो यहां पर हमें यही समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए तो मान लीजिए हमारे पास ये वाटर है। ठीक है, ये हमारे पास एक सब्सटेंस टू हो गया और ऊपर हमारे पास मान लीजिए एयर है। ठीक है, दैट इज सब्सटेंस वन। ठीक है ना, आप मीडियम दो अलग अलग मीडियम भी बोल सकते हैं। यहां से लाइट हमारी आ रही है, दैट लाइट इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट। याद है ना आपको, आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर को पता है ना नॉर्मल बोलते हैं, बोलने की जरूरत मुझे नहीं है। जिसने तीनों वीडियोस देखे हुए हैं उसको तो ये सब समझ में आ जाएगा। और देखिए, नया टॉपिक है तो कोई स्टूडेंट अगर नया भी है, सर मुझे रिफ्रैक्शन से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा, इतना कोई टफ होगा नहीं। ठीक है ना, तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं डियर। ठीक है, तो लाइट हमारे पास आई, दैट लाइट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज अ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये सेकंड मीडियम में जब एंटर की है ना, तो एंटर करने पे क्या होता है? एंटर करने पर ये सीधी एंटर नहीं होती है, ये थोड़ा बैंड कर जाती है। समझ में आई आपको बात? और जब ये थोड़ा बैंड कर जाती है तो मुझे बताइए कि यहां पर एक तो ये एंगल बनता है, ठीक है, और दैट एंगल इज व्हाट? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल आई बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंड, ये बैंड क्यों होती है वो भी हम अभी अच्छी तरह से समझेंगे, परेशान मत होना। ठीक है ना, बस अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी बस हमें ये ध्यान रखना है रिफ्रैक्शन होता क्या है कि सर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बैंड हो जाती है सर, और बैंड होना, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन टू अदर इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है, मीडियम में ऐसा क्या होता है, वो सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए, तो हमारे पास जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज एंगल आई, राइट? दैट इज इंसिडेंट एंगल। अच्छा, दैट रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, क्या वो एंगल आर होता है क्या? बिल्कुल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां क्या था? रिफ्लेक्शन, और यहां क्या आ गया? रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर जो समझने वाली बात है वो एक तो ये है, मैं अभी आपको पहले ही बता देता हूं कि जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंस जाती है, अभी मैं आपको समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है। देखिए पूरा रेयर और डेंस अभी पूरा आपको यहां पर भी और अच्छी तरह से हम समझेंगे, एक रफली आइडिया मैं आपको देता हूं। देखिए रेयर मतलब होता है पार्टिकल ना दूर दूर, ठीक है, और डेंसर मतलब होते हैं पार्टिकल पास पास। ठीक है, तो रेयर मतलब पार्टिकल दूर दूर, मतलब ट्रैफिक कम है, और डेंसर मतलब क्या होता है? पार्टिकल पास पास, मतलब ट्रैफिक ज्यादा है। ठीक है, तो जब लाइट रेयर से डेंस में जाती है ना डियर, तो खुले से एकदम ट्रैफिक में जब जाती है तो लाइट स्पीड क्या हो जाती है? कम। कम होने से क्या हो जाएगा? वो बैंड कर जाती है। तो आ ऐसे रही थी, ऊपर मान लीजिए रेयर है और यहां पर डेंस है। ठीक है, तो लाइट आ रेयर से रही है, ठीक है, स्पीड ज्यादा है, और जैसे डेंस में आई तो स्पीड स्लो हो जाएगी, और स्पीड स्लो होगी तो मुझे बताइए ये जाए से रही थी, थोड़ी बैंड कर जाती है ऐसे। तो जब भी लाइट रेयर टू डेंस जाती है तो हमेशा मुड़ती है कहां? टूवर्ड्स नॉर्मल।
टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और जब लाइट डेंस टू रेयर जाती है, अगर लाइट यहां से बाहर निकलेगी तो फिर क्या हो जाएगी, अवे, ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बात समझ में आई आपको? तो दो बातें हमने यहां सीखी कि अगर हमारी लाइट जो है वो कहां आती है, रेयर टू डेंस जाती है तो क्या हो जाता है, नॉर्मल के टूवर्ड्स जाती है, और अगर डेंस टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये बातें यहां हमने सीखी। उसके अलावा सर रिफ्रैक्शन क्या होता है वो हमने सीख लिया है। आगे जाके ना कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं पेंसिल जब ऐसे कि पानी में डली हुई है तो ऐसी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये सारी बातें ना हम आगे जाके और अच्छी तरह से डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। आईडिया आपको लग गया, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हम थोड़ा आगे चले तो आगे चलने पर हमें क्या मिला सर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किए थे। अब क्योंकि टॉपिक रिफ्रैक्शन है तो हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ जो है वो वही है जो वहां था। वहां पर याद है आपको एक लॉ क्या था कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट लाई इन अ सेम प्लेन। एक पेपर में आप इसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ना यहां पर भी ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड लाइट, तो ये भी एक प्लेन में ही होगी। आप इसको एक प्लेन में कैप्चर कर सकते हो, मतलब प्लेन चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि लाइट ये है, नॉर्मल ये है और ऐसे चली गई, ये एक प्लेन नहीं बन पाएगा। बात आप समझे, प्लेन मतलब 2D, ठीक है ना। तो हमारे पास यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही होता है। ये लाइट अगर हमारे पास है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई मीडियम है, ये लाइट हमारे पास है इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल है, तो लाइट बैंड होगी इधर, और लेकिन ये होगा सारा एक ही प्लेन में, एक ही पेपर पर। बात समझ, जैसे ये बोर्ड में बनी हुई है, ऐसा नहीं कि इंसिडेंट लाइट यहां है, नॉर्मल यहां है और जो रिफ्रैक्टेड है वो इधर आ जाएगी, नहीं, ठीक है। कहां होता है, एक ही प्लेन में होता है। ये बात आपके समझ में आ गई। चलिए इसके अलावा सेकेंड लॉ क्या है सर, तो सेकेंड लॉ और इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या बोला जा रहा है सेकेंड लॉ के अंदर, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड लॉ जो है, एक तो वो साइंटिस्ट थे स्नेल, किसने दिया था, स्नेल साइंटिस्ट ने दिया था। उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, उनके अकॉर्डिंग कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ये बोला कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज वॉट इज कॉन्स्टेंट, is constant. This is also known as Snell law of refraction. ठीक है, तो उन्होंने हमें ये बताया कि देखिए sin i upon sin r, मतलब the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. अरे भैया आपको पता भी है कि अगर हम sin i, मान लीजिए sin i हमारे पास जो है वो है हमारे पास कितना, मान लीजिए 60 degree, ठीक है, और आगे जाके रिफ्रैक्टेड रे, मान लीजिए रिफ्रैक्टेड एंगल जो बना वो मान लीजिए 30 डिग्री है, तो साइन 60 अपॉन साइन 30 सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी ना। साइन 60 हमारे पास कितना होता है, √3/2, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो एक वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी तो वो क्या कॉन्स्टेंट होती है कि नहीं होती है। अरे 1, 2, 3, 4 ये जो वैल्यूज होती है कॉन्स्टेंट होती है नहीं होती, तो यही बोला गया है, ठीक है ना, कि हमारे पास द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी इसमें हम और आगे बातें करेंगे कि ये कांस्टेंट जो है इसमें भी बहुत सारी बातें भी निकल के आने वाली है। अभी हमने केवल बस इतना सा समझा कि सर रेशियो, सर एंगल्स का जो रेशियो है, इंसिडेंट एंगल साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा बस, ठीक है। देखिए मैं जैसे बता रहा हूं आपको, जैसे वीडियो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, ठीक है ना। पूरा वीडियो जब कंप्लीट होगा तब तक पूरी बात आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलें, तो ये कंप्लीट है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जब हम चले तो आगे क्या बोला जा रहा है देखिए ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले हमने रेयर और डेंसर की बात की थी, तो एक बार फटाफट मैं आपको बता देता हूं रेयर और डेंसर का कॉन्सेप्ट क्या है। रेयर मीडियम हमारे पास मतलब क्या होता है, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ठीक है। एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कंपेयर टू द ग्लास। देखिए कोई भी रेयर मीडियम और कोई भी डेंसर जो होता है ना, वो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि मीडियम किससे आप बात कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें एयर और वाटर,
तो आप नॉर्मल बताइए मुझे, बिल्कुल नॉर्मल नॉलेज लगाना है मुझे, बताइए कि एयर जो होता है उसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं ना, और वाटर जो होता है उसमें पार्टिकल पास पास होते हैं, तो मुझे बताइए कौन रेयर कौन डेंसर होगा। तो जिसमें दूर दूर है वो रेयर, तो मतलब एयर क्या है, रेयर है, और वाटर क्या है, वाटर क्या है, डेंसर है। मेरी बात आप समझ गए, ठीक है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि रेयर मीडियम्स वो हैं जिनमें लाइट की स्पीड जो है ना वो कंपेरेटिवली डेंसर जो है उनके रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं एयर और वाटर की बात करूं तो आप बता सकते हैं लाइट की स्पीड ज्यादा किसमें होगी, रेयर मतलब ट्रैफिक कम है, तो एयर में स्पीड ज्यादा होगी, वाटर में लाइट की स्पीड कम होगी। ये बात आपको सेट हो गई माइंड में। चलिए इसके बाद, तो मैंने अभी आपको बोला कि एयर और वाटर की अगर बात करें तो एयर क्या है, एयर रेयर है और वाटर डेंसर है। लेकिन अगर मैं वाटर और ग्लास की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, वाटर और ग्लास की, तो अब वाटर रेयर होगा और ग्लास डेंसर होगा। मेरी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो मेरे पास वाटर क्या होने वाला है, वाटर रेयर होगा और ग्लास क्या होगा, डेंसर होगा। सो माय डियर, ये डिपेंड करता है कि आपके पास आप किसकी बातें कर रहे हैं, किस मीडियम की बात कर रहे हैं। आप ग्लास अगर ले रहे हैं तो वो किसके रेस्पेक्ट में, अगर वाटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो फिर ग्लास क्या होने वाला है हमारा, डेंसर होगा। बात समझ में आई आपको। तो इसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है डियर कि हमारे पास नॉन एज ऑप्टिकल रेयर मीडियम, एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कंपेयर टू द ग्लास एंड वाटर। मेरी बात क्लियर, वेरी गुड। डेंसर मीडियम क्या है बताइए, तो डेंसर मीडियम क्या हो जाएगा, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, ओके, इज नोन एज द ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ग्लास इज एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम देन एयर एंड वाटर, ठीक है। ये बात कंप्लीट है, आप कॉपी कर लीजिएगा जैसा कि आप हमेशा करते हैं। चलिए आगे चले, चलिए नेक्स्ट। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या, अब हम बात करेंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि जो रिफ्रैक्शन के जो लॉ थे, उस रिफ्रैक्शन के लॉ में सर एक फर्स्ट लॉ जो था वो तो ये था कि इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो कहाँ होगी, वो एक प्लेन में होगी। ये बात क्लियर, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और सेकेंड लॉ जो था वो हमें ये बता रहा था कि सर हमारे पास जो रेशियो होगा किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है वो, कांस्टेंट। और अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि यहां पर हमने जो लिखा था वहां पर कि साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट यहां पर बोला जा रहा है क्या, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन। मतलब n यहां पर क्या है, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट हियर। अब बात देखिए, नई बात है तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि सर n क्या है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत सारी माइंड में बातें आती हैं, ठीक है। दोबारा समझिए, हम मैंने बोला था कि द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और अब हमने यहां बोल दिया कि सर वो इक्वल्स टू कांस्टेंट जो है दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो अब सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो देखिए डियर, यहां पर जो भी वैल्यू कॉन्स्टेंट आती है ना इसको सॉल्व करने पर, उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें क्या डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में उसको समझिए। हमने अभी देखा था कि हमारे पास लाइट जो होती है वो एयर से जब वाटर में गई दस, ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि इसमें जाने पर क्या हुआ, क्या उसकी स्पीड कम हो गई, क्या उसकी स्पीड कम हो गई ना, और उसकी स्पीड अगर कम हो गई, अच्छा यहां पर मान लीजिए स्पीड है उसकी v1 और यहां पर स्पीड है v2, अच्छा ये कोई मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए n1 और इस दूसरे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, ठीक है। हम दो तरह से अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो हमने डिस्कस किया कि ये कोई मीडियम है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 है। दूसरा मीडियम हमारे पास मान लीजिए वाटर है, वाटर में स्पीड कितनी है, v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2। तो यहां पर ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ये बोला जाता है कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बात को समझना, अभी एकदम से समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे तो समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में क्या लिखना है सर, वो हमें आप बता दीजिए।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ये तो समझ लिया था कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये कहां से आई है, ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू जो कांस्टेंट होता था उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है। अब हमें सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में समझना है कि बोलना क्या है, डेफिनेशन क्या बोलनी है। तो देखिए, अब ये तो है मीडियम वन और मीडियम टू, ठीक है, ये बात मेरी समझ में आई। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पर इसी तरह से मैं क्या करूं कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लीजिए एक और ऐसी जगह है जहां लाइट कहां से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है। कहां से आ रही है, वैक्यूम से। थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूं इसको, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि मान लीजिए मेरे पास एक और मीडियम है, ठीक है, ये लीजिए, और लाइट जो है वो कहां से आ रही है, लाइट हमारे पास आ रही है वापस, ये नॉर्मल है, और लाइट आ रही है हमारे पास वैक्यूम से। कहां से आ रही है, वैक्यूम से। देखिए, जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन डेंसर मीडियम है, रेयर है, और ये डेंसर है, वैक्यूम है ये, ठीक है। तो लाइट जब आई तो कहां कर गई, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड कर गई, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि वैक्यूम जो होता है ना, उस वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, वैक्यूम के लिए वो कांस्टेंट जो होता है वो 1 होता है। वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। और मीडियम जो होगा उसके पास तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा भाई, मीडियम जो होगा उसके पास तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए n, ठीक है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो c होती है, और c कितना, 3×10^8 मीटर पर सेकंड, जो आपको याद भी होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। बात आपको क्लियर है, ठीक। अच्छा, इसी तरह से लाइट की स्पीड जो मीडियम में होगी वो मान लीजिए वी है, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं इसी फॉर्मूले को, ये जो स्टैंडर्ड, ये जो हमने बनाया था, इसको मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, बताइए क्या होगा। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, दैट इज एन, टू द रेशियो ऑफ, या द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मतलब कौन है, दिस, तो अपॉन 1 होगा, तो मैं उसको लिख नहीं रहा, इक्वस टू क्या होगा, इक्वस टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, दैट इज 3×10, मतलब c, अरे मैं c लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, दैट इज c, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो दैट इज c बाय v। मतलब मेरे बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो निकाला जा रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो कांस्टेंट वैल्यू कैसे आ रही है, देख लीजिए, एक तो साइन आई अपॉन साइन आर करके, या फिर आप क्या करें, स्पीड, अगर मान लीजिए लाइट जो है वो कहां से आ रही है, लाइट आ रही है हमारे पास वैक्यूम से, तो वैक्यूम से अगर आ रही है तो सेकंड मीडियम, भाई वैक्यूम का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ही नहीं, ठीक है ना, उसका तो वैल्यू 1 होती है, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अब हमें जो डेफिनेशन देनी है एग्जाम में, और किसी को भी हमें बतानी है, वो क्या है, वो अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो हमें बोलना है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक मीडियम। मतलब कि हमारे पास किसी भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को क्या बोला जाता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। समझे आप, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए यहां पर, क्योंकि हमारे पास लाइट जो है ना वो वैक्यूम से जब आती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल दिया जाता है। लेकिन लाइट कहां से आनी चाहिए, वैक्यूम से मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी का फाइनल आंसर मैं आपको एक बार बता देता हूं वापस से। देखिए, यहां पर ये बोला जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, कि अगर दो अलग अलग मीडियम आपके पास है तो आप ये बोल सकते हैं कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम, या तो आप ये बोल दीजिए, या अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, दूसरा कोई मीडियम है, तो आप ये अप्लाई करोगे, तो ऊपर तो वैक्यूम है, नीचे मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहां दो अलग अलग है तो दोनों का था, यहां पर लाइट आ रही है वैक्यूम से, तो उसकी स्पीड फिक्स होती है 3×10^8। समझ में आपकी बात। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज वॉट, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये हमारा फॉर्मूला बना, जो फॉर्मूला यहां है, ठीक है, और ये हमें याद हो जाना चाहिए। अगर लाइट वैक्यूम से आ रही है तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। यहां पर सी जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये रहा 3×10^8, और ये लिखा हुआ दैट इज 10^8 है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना, 10^8 ये लीजिए,
ठीक है, बात मेरी क्लियर? ठीक है, दैट इज वन पॉइंट, दैट इज थ्री, वन नहीं है ये, दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरी बात क्लियर अच्छी तरह से पूरी? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जाम में पूछ लिया जाता तो क्या आप बता देंगे? दोनों तरह से, दो अलग अलग मीडियम होंगे तो, और एक वैक्यूम होगा और दूसरा मीडियम होगा तो, ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीजों से हमने फॉर्मूले निकाल लिए हैं, एक ये और एक ये, डन। आगे चलें, आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक रेशियो है, बिल्कुल सही बात है, वो रेशियो है, और हर हर मीडियम के अंदर, हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आप जब लाइट वैक्यूम से आती है तो हर मीडियम का, देखो जैसे हम यहां पर सॉल्व करेंगे, मान लीजिए हमारे पास लाइट जो है वो वैक्यूम से आ रही है और कहां जा रही है, मान लीजिए वाटर में, ठीक है। जब लाइट वैक्यूम से आ रही है और वाटर में जा रही है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाएंगे n = c/v, तो वाटर में भी स्पीड होगी कुछ ना कुछ लाइट की, तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी ना एक वैल्यू, तो वाटर, वो क्या हुई वैल्यू, वो हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या बोला गया उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसी तरह से ना सबके, है ना, हर मीडियम के लिए क्या निकाला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई। और देखिए यहां पर एयर के लिए कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.003, तो आप, हम अप्रोक्स 1 ही ले लिया करते हैं एयर के लिए भी, ठीक है। वाटर के लिए कितना, 1.33, दैट इज डायमंड के लिए 2.417, आइस के लिए दैट इज 1.3, दिस अल्कोहल के लिए दैट 1.36, ठीक है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू है, ठीक है, जब आप कॉपी करेंगे तो इनको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर देखिए ध्यान से, When light travel in a medium other than the vacuum, vacuum में नहीं है, medium की बात हो रही है, ठीक है, the atoms of that medium continuously absorb or re-emit the particles of light, slowing down the speed of light। देखिए अब यहां पर ये बोला जा रहा है, हमने पढ़ा था कि सर लाइट जब रेयर से डेंस में आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फिर रीमिट करते हैं, तो पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो भाई ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, रीमिशन होगा, तो मतलब उस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बस यही बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें आपकी बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं मीडियम के, लाइट को क्या कर लेते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब और रीमिट करते हैं, जिस वजह से उसकी स्पीड जितनी थी उतनी नहीं रह पाती है, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। क्या बात आपको समझ में आ गई क्या, ठीक है। सो ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने बात की है कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं, उसके अलावा हमने डिस्कस किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो वही रिफ्रैक्शन के लॉ से हमारे पास साइन ए अपॉन साइन आर से एक कॉन्स्टेंट आता है, उस कॉन्स्टेंट को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने दो बातें की, या तो आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट टू द सेकेंड, या अगर एक वैक्यूम है दूसरा मीडियम है तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, राइट, या फिर आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, खत्म। मैं लिखा हुआ है सब देख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये बातें कंप्लीट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यहां से किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो भी हम कर लेते हैं। चलिए तो देखिए, तो हमारे पास दिस इज क्वेश्चन वन, चलिए क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहां से कहां क्लिक कर रही है, एयर टू ग्लास, ठीक है, जैसा दिया जा रहा है वैसे बना लो, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये ग्लास, ठीक है, ग्लास की स्लैब, ठीक, एयर, तो एयर से जब ग्लास में करेगी एंटर, तो पहले तो मुझे बताइए एयर क्या है, रेयर, और ग्लास क्या, डेंसर, तो मुड़ जाएगी ये बैंड, ठीक है, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास। चलिए क्या बोला जा रहा है, एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। देखिए हमारे पास एयर जो है, मैंने अभी बताया था आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट कितना होता है बताइए, दैट इज 1 ही लेते हैं हम लोग, 1.00 समथिंग था, तो 1 ही मान लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा स्पीड, उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया हुआ है 1.50 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये N1 आपको दिया हुआ है दैट इज 1, N2 आपको दिया हुआ है दैट इज 1.50, और मुझे बताइए स्पीड ऑफ लाइट जो होगी इन एयर जो होगी वो भी वैक्यूम की तरह ही होगी, कितने, 3×, मतलब मैं बोल सकता हूं C = 3×10⁸, और निकालना क्या है आपको, ग्लास में स्पीड निकालनी है V,
ठीक है, चलिए हम लगाएं जो हमने सीखा था। हमने सीखा था कि सर n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू होता है v1 अपॉन v2, तो v1 अपॉन v2 ये लो, तो n2 कितना है 1.50, ठीक है, n1 कितना है 1, ठीक है 1 ही होगा ना, तो मैं इसको सिंपल लिख दूं 1.50 इक्वल्स टू v1 मेरे पास कितना है, v1 कितना है, v1 है 3 into 10 की पावर 8, और v2 कितना है, v2 हमें निकालना है, तो v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 1.50, ये से कटा कितनी बार कटेगा, तो मुझे बताइए कितनी बार कैंसिल होगा, दैट इज 2 टाइम्स, तो 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, मतलब मुझे आप बताइए कि ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी, 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, क्या मेरी बात आप समझ गए क्या अच्छी तरह से, ठीक है, तो ये था हमारे पास। देखो सिंपल सी बात है यार, टफ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सब सिंपल है, बस ध्यान से करते जाइए, ध्यान से पढ़ते जाइए, जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे वैसे करो, आंसर अपने आप निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट, और कुछ नई बातें नई वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर टू में बोला जा रहा है कि सर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट, ग्लास का दिया हुआ है भाई, ग्लास का कितना है, दैट इज 3/2, एंड और किसका दिया हुआ है, दैट इज वॉटर का दिया हुआ, दैट इज 4/3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दी हुई है, कितनी भाई, कितने दी है, दैट इज 2 into 10 की पावर 8, ठीक है, ओके, ठीक है। क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, पहला तो पूछा है हमसे इन वैक्यूम, और सेकंड हमसे पूछा है कहां, इन वाटर, ठीक है। चलिए पहले वैक्यूम की बात कर लेते हैं, देखिए जब वैक्यूम की हमसे बात की जा रही है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास स्पीड ऑफ इन ग्लास दी हुई है ना, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं वैक्यूम से ग्लास में लाते हैं लाइट को, कहां ला रहे हैं, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये है मेरे पास ग्लास, ठीक है, ग्लास और ये वैक्यूम, ठीक है। अच्छा ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, वो दे भी रखा है शायद आपको, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 एन दे रखा है आपको, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्पीड भी आपको दे रखी है, ठीक है, इसमें स्पीड भी आपको दे रखी है। अच्छा वैक्यूम में आपको पता रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 होता है ना, ठीक। इसके अलावा वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 into 10 की पावर 8, जो हमें अभी नहीं लिखनी, हमें निकालनी है, ये मान लीजिए हमारे पास ये v है, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, क्या है तरीका, n2 upon n1 equals to v1 upon v2, चलिए लिखते हैं, तो n2 मतलब n glass upon n1 मतलब n vacuum equals to क्या होगा, that is v1 upon v2, v2 मतलब vg, ठीक है। यहां से v equals to क्या हो जाएगा, v equals to हो जाएगा सर ng अपॉन एन वी इंटू वी जी, यही होगा। अच्छा एन जी कितना है, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है बताइए, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेरे पास है दैट इज 3/2, वैक्यूम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, ठीक है, राइट। उसके अलावा हमारे पास ग्लास में स्पीड कितनी दी है बताइए, ग्लास में स्पीड कितनी है 2 into 10 की पावर कितना 8, ठीक है, that 2 से 2 cancel, कितना आ गया 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो भाई हमें ये पता भी तो था, हमें ये पता था कि वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है 3 into 10 की पावर 8, और इसी को तो हम c बोलते हैं, बात मेरी आप समझे क्या, हमें जानबूझकर पूछा गया है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, एक तो वैक्यूम में निकालिए, तो वैक्यूम में निकालिए, तो सब चीजें हमें दी हुई थी, सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो गिवन है ग्लास, तो मतलब क्या कीजिए, वैक्यूम से ग्लास की बात कीजिए, तो वैक्यूम की ग्लास की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो हमारे पास वैक्यूम में स्पीड निकल के आ गई 3 into 10 की पावर 8, जो हमें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा गया है, समझे आप बात, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जब पूछा गया है तो देखते हैं क्या करना है, तो हम क्या करें, अब मान लीजिए ये ग्लास ही है हमारा, ठीक है ना, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें पता है कितना है, दैट इज 3/2, ठीक है, और यहां है वाटर, ठीक है, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, n1 कितना दिया गया है 4/3, n2 कितना है, दैट इज मतलब ng, ग्लास कितना है और ये वाटर, ये आपको दे रखा है। इसके अलावा मुझे बताइए कि वाटर रेयर है और ये डेंस है, तो मुड़ेगी डेफिनेटली टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमें स्पीड
इन ग्लास दी हुई है कितनी, दैट इज 2×10^8। और हमें स्पीड इन वाटर निकालनी है, निकाल लेते हैं भाई। क्या होता है N2/N1 इक्वल्स टू होता है V1/V2, ठीक है। तो दैट इज 2×10^8, ठीक है। तो V कितना हो जाएगा भाई, Ng/Nw×2×10^8, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद वैल्यू रख दीजिए Ng, G कितना दिया है भाई 3/2। उसके अलावा ये अलग है, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट था, फर्स्ट वाला। चलिए, तो दैट इज 3/2। 3/2 के अलावा हमें और क्या करना है, दैट इज Nw। वाटर का बताइए, वाटर का होगा दैट इज 4/3, यही होगा, ठीक है। दैट इज 3/2 और 4/3, यहां तक क्लियर है ना, ठीक। इसके बाद बताइए, इसके बाद और क्या है, दैट इज स्पीड, दैट इज कितनी 2×10^8, ठीक है। कितना मिला भाई, दैट इज 9, ठीक है। यहां पर देखिए हमारे पास, दैट इज 9, दैट इज 18/8×10^8, यहां तक क्लियर है, ठीक है। जैसे थोड़ा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, समथिंग 2 point something आ जाएगा, × 10^8 m/s, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास क्या, स्पीड कहां, वाटर में। मेरी बात समझे क्या, सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती है बताइए, सबसे ज्यादा स्पीड होती है डियर हमारे पास कहां पर, सबसे ज्यादा स्पीड होती है वैक्यूम में, ठीक है। उसके बाद कहां होती है, अच्छा आपको ये दिख तो रहा है ना, ये दिख तो रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलें, थोड़ा यहां तक की बात क्लियर। अब आगे चलें तो आगे तो हम और बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, तो वो सारी चीजें अगर हो जाएगी तो फिर सर हमें मजा कैसे आएगा, अभी तो बहुत सारे वीडियो में देखने बाकी हैं, ठीक है ना। तो भाई छोटे छोटे वीडियो, जरूरी नहीं है बहुत लंबे वीडियो बनाए, ठीक है ना। तो छोटे छोटे वीडियो में छोटी छोटी बातें कंप्लीट हम करते जा रहे हैं। हमने आज रिफ्रैक्शन पढ़ा है, उसके अलावा रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़े हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा क्वेश्चन आ सकता है हमने वो भी कर लिया है। इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ओके।